सब्सक्राइब करें हिंदी फैक्ट्स फैक्ट्री को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी फैक्ट्स फैक्ट्री। विक्की डोनर के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले आयुष्मान खुराना यह साबित कर चुके हैं कि अच्छे सब्जेक्ट को अगर कहानी में ढाला जाए तो फिल्म बड़े बजट या बड़े स्टार की मोहताज नहीं होती। शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, अंधाधुन, बधाई हो, ड्रीम गर्ल, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, बाला, दम लगा के हिस्सा जैसी तमाम सफल फिल्में उनके करियर का हिस्सा बन चुकी हैं। गंजेपन से जूझ रहे लड़के का किरदार हो या फिर एक गे का किरदार, पर्दे पर इस तरह के बोल्ड किरदारों को निभाने में आयुष्मान हिचकते नहीं हैं, बल्कि उनका कहना है कि वह तो हमेशा ही ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो चैलेंजिंग हो। इन किरदारों के अलावा जब उनसे पूछा गया कि अगर आयुष्मान को बायोपिक करने का मौका मिले तो वह किस इंसान को चुनना पसंद करेंगे, इस पर आयुष्मान ने कहा कि वह लाइफ में किशोर कुमार की बायोपिक जरूर बनाना चाहेंगे। आयुष्मान ने कहा, क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ और किशोर दा मेरे चहेते पसंदीदा सिंगर है। तो वह आगे कहते हैं, किशोर कुमार के गाने सुन सुन कर बड़ा हुआ हूँ और कितने ही गाने मुझे जुबानी याद है। अगर मुझे बायोपिक करने का मौका मिला तो मैं उन्हें ज़रूर पर्दे पर जीना चाहूँगा। हालांकि उनके गानों के लिए मुझे कुछ ऐसा सिंगर ढूंढना होगा जिनकी आवाज़ किशोर दा जैसी आवाज़ से मिलती हो। गाना तो मैं भी गाता हूँ लेकिन मेरी आवाज़ उन पर सूट नहीं करेगी। बता दें, आयुष्मान की शुभ मंगल ज़्यादा सावधान हाल ही में रिलीज हुई है। यह फिल्म गे के किरदार में नजर आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें हिंदी फैक्ट्स फैक्ट्री को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो हिंदी फैक्ट्स फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें।